अतिथि या हमेशा के मुख्य अतिथि तो यहाँ पर रामचंद्र भगवान विराजमान मुख्य अतिथि हैं और फिर साथ में गुरु विराजमान है तो हमारा कोई स्थान ही नहीं रहता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्मानीय महात्मा जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय साहब, हमारी बहन रमीला खड़िया जी और सभी पूजा के उपबुजुर्ग और कुशलगढ़ वासी और हमारी देवस्थान विभाग की कमिश्नर भी महिलाएं हैं प्रज्ञा जी, खड़ी हो जाए एक बार आपको भी देखी कि आगे कोई तंदुरुस्त नहीं है हमारे प्रज्ञा की सूत्र है, काम करवाने के अपन काम तो कराना पड़ेगा। और सभी पत्रकार बंधु, पुलिस विभाग, सारे अन्य हमारे उद्योग विभाग और देवस्थान के सभी अधिकारीगण और हमारे भाई और आपके घरों को सुचारू रूप से चलाने वाली होम मिनिस्टर जो मेरे सामने बैठे हैं सारी महिलाएं, आपको बदलना पड़ेगा। आपको इसलिए कह रही हूं बदलना पड़ेगा कि अपने को अपने पति देव, बेटा, भाई, चाचा, चाचा ससुर, दादा ससुर कह देते हैं वहां वोट देना है, वो फलाना अपना वो सुरेश चंद जी अग्रवाल आए थे तो अपन को वहां वोट करना है, यही होता है ना, यही होता है सच्चाई, यही मैं जानती हूँ। घर घर की सच्चाई क्या है आपको महिला बता देती है, वो हिंदू, वो फलाना पार्टी, वो पार्टी। अभी हमारी सरकार में देवस्थान विभाग के 593 मंदिर हैं, 593 और 593 मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 593 लाख रुपए दिए सारे मंदिरों के, आज तक कभी किसी ने नहीं दिए। और जो भी बड़े मंदिर हैं, चाहे गोविंद देव है, खाटू श्याम है, कैला देवी है, इतने बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों रुपए, और आपके रमीला जी गई तो इसने तो 10 लाख नहीं 50 लाख नहीं 100 लाख नहीं 150 लाख नहीं 250 लाख नहीं 250 लाख की मांग कर ली एक मंदिर के लिए, 250 लाख उस मंदिर के लिए, 5 करोड़ रुपए इन्होंने मुझे कहा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि रमीला जी कह रही है कि मेरे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना है, मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसी टाइम पैसे की स्वीकृति जारी कर दी। मैं इनसे पूछ रही, ये तो बता दे कौन से मंदिर में कितना लगाना है, इनसे मैं पूछ रही थी और बार बार फोन कर रही थी, ये बता कहाँ लगाना है पैसा, कौन से मंदिर में लगाना है। अभी मैं देखती हूँ एक रामचंद्र मंदिर जी है हमारा वहां है, एक कौन सा महादेव मंदिर है, एक मठेश्वर कौन सा जो भी कोई है, तो मैंने कहा ठीक है, तो हम इसके साल भर से हम पीछे रह गए, उल्टी रीत हो गई, कोई तो पैसे की वो करता है। आज तक गायों का मानदेय बढ़ाने का काम हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बढ़ाया, अब लंपी में जिनकी गाय मर गई तो उनको भी एक पशु पे 40,000 रुपए सबके खाते में पैसे चले गए, जिनकी मृत्यु गाय की 40,000 रुपए प्रत्येक जो व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया फ्री में बीमा हुआ, फ्री में पैसा नहीं लगाया। और चिरंजीवी योजना हमारे पास आती थी महाराज जी, कई लोग आते मैडम किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो 8 लाख रुपए की कोक्लियर इम्प्लांट मशीन लगेगी, किडनी तो माँ दे देगी, पत्नी दे देगी, माँ सबसे पहले खड़ी होती है, लेकिन 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए कहाँ से लाए। मेरे पास आते हुए देखा है, मैंने माँ को रोते हुए देखा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री अस्पताल में करा,
उससे भी बड़ा काम किया दुर्घटना में। अगर दुर्घटना में कोई की मृत्यु हो जाती है उसका रजिस्ट्रेशन है मात्र 850 रुपए में। जो नरेगा श्रमिक कर्मचारी है तो वैसे जुड़ गए, बाकी कोई भी व्यक्ति एक साल के 850 रुपए में ई मित्र पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाए, उसको कभी भी अकस्मात मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए उसके डायरेक्ट खाते में आते हैं। 5 लाख थोड़ी मोटी बात है भाई, 12 दिन में सब रिश्तेदार चले जाए, चाहे कैसा ही सगे रिश्तेदार हो, चाहे माँ का जाया भी हो, वो भी बाहर धंधा कर रहा है तो वो भी चला जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हमने लाखों लोगों को करवाई है, अब काठमांडू भी करवा रहे हैं और सारे क्या पशुपतिनाथ के वहां काठमांडू वृद्ध लोग गए हैं, वैष्णो माता है, अयोध्या है, तो सारी जगह जा रहे हैं। ये जैन भी जा रहे हैं पावापुरी और समेत शिखर उनका भी है, अमरनाथ वो क्या सॉरी काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं लोग, रामेश्वरम जा रहे हैं। तो हमारे से 1500 तीर्थ है जिनपे सभी वृद्ध नागरिकों को भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक काम ही दिखावा नहीं करती, बस दिखावा नहीं करती, भाई को भाई से नहीं लड़ाती, जाति को जाति से नहीं लड़ाती, उसका ज्यादा दिखावा नहीं करती। इसने क्या काम नहीं करा रमीला जी ने, मालवीय साहब ने क्या काम नहीं करे रमीला जी के, महाराज जी अगर गिने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, हिंदी माध्यम क्रमोन्नत करवाए, कॉलेज खोले, 70 साल में यहाँ कॉलेज नहीं था, 70 साल में वोट तो हमेशा देते आए हैं, जेल में थोड़ी घर पे रखा था वोट, वोट तो दिया ही आपने सदा से, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, पुल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, क्या नहीं हुआ, बड़ा अस्पताल नहीं आपके, ट्रोमा वार्ड किसने खोला, रमीला ने। जितने भी काम हुए सड़कों का जाल बिछा दिया चारों तरफ, मैं अगर गिन रही थी मैंने की इसने कितने काम किए, इसने स्कूल क्रमोन्नत किए, अंग्रेजी माध्यम खुलवाए, PSC खुलवाई, कितनी सारी, एक तो नहीं, हर गांव ढाणी में CSC खुलवाई, कुशलगढ़ में ट्रोमा वार्ड खुलवाया, बड़ा अस्पताल खुलवाया, लड़कियों का कॉलेज खुलवाया, लड़कों का कॉलेज खुलवाया, पुल बनाए 10-10 करोड़ के, सड़कें बनाई, पार्क बनाए, क्या कभी छोड़ी, 70 साल का गिन लीजिए आप विकास, और इसका 5 साल का गिन दीजिए आप, फिर क्या कोई आएगा रिश्तेदार आएगा, ये नहीं करना वो, धर्म के नाम पे जाति के नाम पे आपको भ्रमित कर जाएंगे। ये क्या वो राम नहीं है जो अयोध्या में, वही राम है, ये भी वही राम है, सिर्फ देखने का नजरिए का फर्क है, जाकी रही भावना जैसी मूर्ति थी देखी तैसी, ये भी वही राम है। तो इसमें पैसा लगाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की ये नहीं, हम लोग नहीं है, ये बिक सकती थी, जा सकती थी, इसको कितने करोड़ों रुपए मिल जाते, आपने देखा ना उथल पुथल हुई थी, पर ये ले गई, इसने कहा मुझे मेरे कुशलगढ़ की जनता का विकास चाहिए, मुझे 1000 करोड़ नहीं चाहिए, बोल मेरे को मेरी कुशलगढ़ की जनता की चेहरा दिखता है, मुझे मेरे वहां कुछ नहीं है, मुझे तो काम चाहिए, मुख्यमंत्री जी से लड़ पड़ती है, मेरे से लड़ पड़ती है, 5 करोड़ में 1 रुपया कम नहीं करूंगी, मैंने कहा 1-1 करोड़ ले, नहीं करूंगी 1 रुपया किसके लिए, अरे हम और ये तो चले जाएंगे लेकिन ये चीजें तो धरती पे रहेंगी, लेकिन आप इतना तो गुणात्मक करें, आप चीनी तोल के देते हो तो इतना तो तोल लो, 70 साल में क्या हुआ और 5 साल में क्या हुआ, एक महिला ने करा होगी, आप सारी महिलाएं इनको कह दिया करो, क्योंकि 70 साल में आपके किसी नेता ने जो काम नहीं किया हमारी महिला ने काम किया, ऐसे कह दिया करो आप गर्व से, और इनको कहो इस बार आप इनको कहो कि दोबारा से इसको लाए, अभी वहां पीछे मंदिर में इन्होंने घोषणा करा ली कि अगर आप जीतोगे तो 5 करोड़ और हमें देखोगे, लेकिन मैं मंदिर में खड़ी होकर वादा करती हूँ हम जीतेंगे तो ये हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 करोड़ और देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमने इतने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं सब जगह सब हर विकास में, आप क्या सोचोगे कि एक श्रमिकों का जो बंसारे होते हैं डेलीगेशन मिलने गया, सब जांच फ्री कर दी आपने, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल में चिरंजीवी सब कर दियो, सब करने करते 10 रुपये भी कोने रहे पर्ची, तुम्हें 10 रुपये माफ कर दी, नहीं रहते मजदूर के पास, नरेगा में ये नरेगा किसने चलाई, मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी सोनिया गांधी, सिर्फ उनको
ये भावनात्मक और ये भाषण देना नहीं आता। अगर ये योजना नहीं होती नरेगा तो कोरोना के बाद में पूरे देश में भुखमरी फैल जाती। 18 साल के को वोट डालने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। महिलाओं को अधिकार किसने दिए? चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान, पार्षद कैसे बन रहे हम? कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया इसलिए बन रहे हम, नहीं तो हमने भी दिया थी शायद यहाँ पर आदमी होती, क्योंकि मैं पार्षद बनी किस तरीके से सीधी दर सीधी चढ़ के आए। तो जो काम किया आज तक का उठाकर देख लीजिए इतिहास। आपने कहानी किताबों में पढ़ा होगा कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए किस राजा ने फलाने दूसरे विदेश की सीमा के सैनिकों को घुटने के बल टिकवाया। लेकिन आज के ही काल में हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब एडमिशन ही लिया था सन, जब पहले जब थे, जब इंदिरा जी गई थी, इंदिरा जी तो आपने सबने सुना है, अपन जिंदा है, अभी मरे नहीं है। देखिए सुना तो है, फोटो में देखा है, पर जो बुजुर्ग उन्होंने तो देखा भी होगा। उन्होंने जबकि हमारे पास हथियार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हौसले से, हमारे पास इतनी सेना और आधुनिक हथियार नहीं थे, अपने हौसले से वहां सीमा पर जाकर कहा, मेरे भारत देश के सैनिकों, मां ने आपको 9 महीने खून से सींचा, लेकिन ये धरती माता जन्म के बाद में मरने तक आपको अन्न से पालती, इसकी रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर देना, मैं आपके साथ हूं, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और लाखों सेना पाकिस्तान की घुटनों के बाद हथियार नीचे गिरवा दिए। वो महिला में दम था, निर्णय की शक्ति थी, क्या मजा ले कोई इस तरीके से चल जाए कोई। ये जो एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ये धर्म है, ये फलाना है, अरे भगवान को मत बांटो भाई। मुझे बताइए आप, अगर सच्ची में वो इंसान है किसी भी धर्म का है तो सर झुकाता है, चाहे कहीं भी झुका है, लेकिन सर झुकता है, और झुकना ही इंसान की शान है। तो आप अपने आप को बांटे नहीं, जो काम करे बताइए। आप क्या कसर छोड़ दी राजस्थान सरकार ने, एक कमी बता दीजिए, कोई एक ऐसी बड़ी योजना बता दीजिए। 108 एम्बुलेंस योजना भारत सरकार ने, हमारे सरकार की चलाई कि एक्सीडेंट होके पड़े रहते हैं सड़कों पे, एक एक घंटा खून बहता रहता है, जब उसका परिवार का आएगा उसकी आत्मा तड़पती है, वो ही आता है, बाकी फोटो खींच लेंगे, तमाशा देखते रहेंगे। उसकी भी अगर व्यवस्था करी तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, कोई राजस्थान में किसी पर केस नहीं करेंगे, 5,000 रुपए उस आदमी को इनाम दिए जाएंगे उठाने वाले को, कि उठा के अस्पताल तो पहुंचा। और जो कर्मचारी है युवा भाई, उनके लिए कि जो सरकारी नौकरी में थे, ओल्ड पेंशन पूरे भारत देश में किसी में मादा नहीं इतना करने का, ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कर दिया। RGHS किसी के घर में बीमारी हो जाती है कैंसर जैसी, तो उससे पूछिए जाकर उसकी आंख आंसू में सूखता है, वो कर्मचारी का जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड का है, तो उसका भी खर्चा उठाने की योजना RGHS के जरिए लाए तो राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी ने। तो ये सारी चीजें लाकर के वृद्धावस्था पालनहार 1500 रुपए कर दी पेंशन, बच्चे अगर गरीब का पड़ेगा तो विदेश में वो फ्री जाएगा, एक एक बालिका शिक्षा के लिए गांव में, प्रत्येक गांव में एक एक स्कूल में 100, 200, 500, मेरे स्कूल में 1,000 स्कूल है, 600 बच्चे आए, तो ये बच्चियां गांव की बच्चियां पढ़े, ढाणी की बच्चियां पढ़े, एक गरीब की बच्ची पढ़े, और वो भी कमाए अपना, शहर में भी मजदूरी का रास्ता खोला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खोला, इसमें कोई शर्म नहीं है। आप मुझे एक बता दीजिए कोई योजना कि ऐसी एक योजना है जिससे कि एक गांव के ढाणी के आदमी को लाभ मिल रहा है। कितने एक्सीडेंट होते हैं रोजाना, लाखों होते हैं, उनका घर किससे चलता है? सरकार से। तो ये सब चीजें सोचने की बात है। रमा जी, रमीला जी ने जो आपके यहाँ जो काम किया, आपके क्षेत्र के लिए जो लड़ती है, मेरे से लड़ पड़ती है, मुख्यमंत्री जी से लड़ पड़ती है, विधानसभा में बोलती है मेरी ये सड़क नहीं बनी, मेरी वो नहीं बनी, एक ये आपकी इतने कुशलगढ़ की आवाज तो गूंजा दिया, कौन जानता था कुशलगढ़ का मसला है, एक महिला ने गूंजा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वादे से मत मुकर जाना, पवित्र भूमि राम की भूमि में खड़े हो आप, बदल मत जाना, आपको सौगंध है अगर इससे बाबा खिलाफी करो तो आप इसे जिता के भेज रहे हैं, आपके कम से कम 50,000 से जिता के भेजिए, जब तो मैं थाने मानूंगी तो थारो आदम फिर बोले फिर क्या क्या कुशलगढ़ का हुआ। आप सब महिलाओं को एक होकर के महिला की मदद करनी है अपने घर में, परिवार में, कि आगे और भी इसी तरह विकास के सारे काम हो। आप सबने जो हमारा स्वागत सत्कार किया उसके लिए तहे दिल से
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप हमारे पर कृपा बनाए रखें। भगवान राम की कृपा आप सब पर रहे, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जैसे महिला आज सभी धजी हंसते मुस्कुराती है, आपके सदा ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे है, किसी की आंख में आंसू भगवान राम मत लाना, मेरा तो इतना ही निवेदन है। बोलो श्यावर राम चंद्र की जय। रामचंद्र की जय बोलते हैं जो इतनी तो चाहे भगवान मंदिर तक जय कौन पहुंची। मैं तो वहां से अलवर से बांसुर से मंदिर पहुंचे, थारी जय ही नहीं पहुंची। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।